हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडीबी क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं जीके जीएस का T23, जिसमें मैं आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पूरी वीडियो देखना और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो बताइएगा, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है या राज्यपाल को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है नरसिंह देव प्रथम ने, या ऑप्शन सी है औरंगजेब ने, या ऑप्शन डी है महिपाल ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है इयान फ्लेमिंग, या ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंग, या ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी। और मैं आपको बता दूं, पेंसिलिन की खोज 1928 में हुई थी, और एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी है अफ्रीका, या ऑप्शन सी है एशिया, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ए है 1949, या बी है 1951, या सी है 1952, या डी है 1953। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1951। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, या ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसमें सही होगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन बी है हुगली, या ऑप्शन डी है भागीरथी, सॉरी ऑप्शन सी है भागीरथी, या ऑप्शन डी है दामोदर। तो इसमें सही होगा डी, दामोदर। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? है कॉपरनिकस ने, या बी है आइजैक न्यूटन ने, सी है जैक केपलर ने, या डी है गैलीलियो ने। तो इसमें सही होगा डी, गैलीलियो ने। और इसकी खोज गैलीलियो ने 1993 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये है बुलबुल, या बी है चेतक, या सी है बादल, या डी है मुकुंद। तो इसमें सही होगा चेतक। नेक्स्ट है, सरला मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ए है टेनिस, या बी है तैराकी, या सी है व्यायाम, या डी है भार उठाना। तो इसमें इसमें सही होगा डी, भार उठाना। और मैं आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार और श्री पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? ए है 1919, बी है 1921, सी है 1930, या डी है 1926।
इसमें सही होगा ऑप्शन ए 1919। और इसके बारे में बता दूं, इसे काला कानून भी कहा जाता है। और ये भारत में ब्रिटिश द्वारा उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? ए है लूना 2, या बी है लूना 10, या सी है अपोलो 10, या डी है अपोलो 11। यहाँ अपोलो 11 होगा, यहाँ 10 हो गया है गलती से। पता है इसका कौन सही होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी लूना 10। मैं आपको बता दूं, इसके लॉन्चिंग इसकी 31 मार्च 1966 को हुई थी और सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, बताइए। ए है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड और बी है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने, या सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने, या डी है ऑस्ट्रेलिया और भारत ने। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, क्या सही होगा ऑप्शन सी। और आपको मैं बता दूं, ये 1844 को खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ए है गोबी, या बी है चोलिस्तान, या डी है सुकुर, या सॉरी या सी है सुकुर, या डी है मीरपुर। तो इसमें सही होगा बी चोलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों तथा अन्य जीव के संरक्षित अवशेष एवं चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। पहला है एंथ्रोपोलॉजी, नृत्य विज्ञान, या बी है जीवाश्म विज्ञान, या सी है फार्माकोलॉजी औषध विज्ञान, या डी है आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। तो इसमें सही होगा बी जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मार्स गैस कौन सी है? ए प्रोपेन, या बी ब्यूटेन, या सी मीथेन, या डी इथेन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी मीथेन, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ए है बांग्लादेश, या बी है बेरहम, या सी है ब्राजील, या डी है ब्रिटिश। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? ए है निकोसिया, या बी है पोलिस, या डी है लमाका, सॉरी या सी है लमाका, और डी है अरादिपो। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए निकोसिया। ये गलत है, ये नहीं यहाँ होना था। ठीक है, निकोसिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए है पूर्ण गोलार्ध, ऑप्शन डी है अधिकांश चपटा, ऑप्शन बी है अधिकांश चपटा, या ऑप्शन सी है पूर्ण गोल, या ऑप्शन डी है चपटा गोल। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी चपटा गोल। नेक्स्ट है, अरुणा अशरफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ए है असहयोग आंदोलन के दौरान, या डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या स्वराज आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना होगा। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहता हूँ। है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो दोस्तों, ये शायरी थी। और अगर आपको
और कोई विषय पढ़नी हो जैसे मैथ या रीजनिंग, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। और इसमें से आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए खासकर इसे बनाया गया है, और ऐसे ही पर डे वीडियो आती रहेंगी। और ये कुछ ये वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें से ये आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे उसे ही हम उठा कर लाते हैं और पर डे आपसे इसे डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।